हेलो दोस्तों, रूपालीस किचन एंड क्रिएटिविटी में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम बनाने वाले हैं डिलीशियस एंड टेस्टी खांडवी। दोस्तों रेसिपी को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। बेल आइकन को ज़रूर दबाइए टू गेट द लेटेस्ट अपडेट ऑन द चैनल। मैंने 200 ग्राम बेसन लिया है, आधा कप दही लिया है और 2 चम्मच पाउडर शुगर लिया है। मिक्सिंग बाउल में अभी हम बेसन को डालेंगे। बेसन में लम्स नहीं होने चाहिए, आप चाहिए तो इसको छान के भी ले सकते हैं। देखिए इसमें बिल्कुल भी लम्स नहीं है। अभी मैं इसमें दही डालूंगी। दही डाल के हमें इसे अच्छे से मिक्स करना है। देखिए एकदम अच्छे से मिक्स हो गया है। अभी मैं इसमें पाउडर शुगर डालूंगी। एक चम्मच हल्दी पाउडर, आधा चम्मच हींग, आधा चम्मच सॉल्ट, नमक और अभी अच्छे से मिला लेते हैं। आधा चम्मच जिंजर गार्लिक पेस्ट या फिर सिर्फ अदरक का पेस्ट भी आप ले सकते हैं, अदरक लहसुन का पेस्ट या फिर सिर्फ अदरक का पेस्ट। 2 ग्रीन चिलीज, हरी मिर्च एकदम बारीक कटी हुई, आप इसको अदरक लहसुन के पेस्ट के साथ भी या फिर अदरक के पेस्ट के साथ भी मिक्स कर सकते हैं, पीस सकते हैं। 1 कप पानी लिया है और मैं फिर से इसे अच्छे से मिक्स करूँगी। फिर से आधा कप पानी डाल के हमें फिर से मिक्स करना है, एकदम अच्छे से मिक्स करना है। देखिए देखिए हमारा बैटर कितना अच्छा लग रहा है, एकदम अच्छे से तैयार है हमारा बैटर। अभी देखते हैं आगे की रेसिपी। बैटर इज रेडी। अभी मैंने कढ़ाई गरम करने रखी है, इसमें 2 चम्मच मैंने तेल डाला है। तेल गरम होने के बाद मैं मेरा बैटर डालूंगी। बैटर को फिर से एक बार मिक्स करके हमें कढ़ाई में डालना है। जब भी मैं बैटर डालूंगी मुझे ये देखना है कि मेरा गैस एकदम लो फ्लेम में है और मुझे इसे कंटिन्यूसली चलाते रहना है। अगर मैं बीच में रुक जाऊँगी तो इसमें लम्स आ जाएंगे। सो कीप स्टरिंग कंटिन्यूसली, इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। आपको कंटिन्यूसली इसको चलाते रहना है, ये बहुत 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 ज़रूरी है। देखिए इस प्रकार से इसे हमारा बेसन अच्छे से पक भी जाएगा और इसका मिश्रण का गाढ़ा होना काफ़ी ज़रूरी है। देखिए मैं इसे कंटिन्यूसली चला रही हूँ, जो साइड में चिपक रहा है उसको मैं निकाल के दे रही हूँ। देखिए इस प्रकार से देखिए कितना कलर सुंदर आया है, एकदम येलोइश, वेरी नाइस। स्मेल भी बहुत अच्छा आ रहा है। देखिए मिश्रण एकदम गाढ़ा हो गया है। अभी बेसन पकने की एक धीमी खुशबू आने लगेगी जो मुझे अभी आ रही है। देखिए इसे कंटिन्यूसली चला रहे हैं हम। मिश्रण को जरा भी कढ़ाई में नीचे चिपकने नहीं देना है, इसको कंटिन्यूसली चलाते रहना है। जब हमारा मिश्रण गाढ़ा हो जाएगा तो हमें टेस्ट करके देखना है कि ये प्रॉपरली हुआ है कि नहीं। देखिए अगर मैं इसको ऐसे स्पैचुले से गिरा रही हूँ तो वो पानी की तरह, लिक्विड की तरह नहीं गिरना चाहिए, वो ऐसे पार्ट पार्ट में गिरना चाहिए जैसे मेरा अभी गिरा था। तो ये मिश्रण तैयार है। सेकेंड टेस्ट हमें क्या करना है, मैंने एक प्लेट के बॉटम में तेल लगाया है। मैं वो मिश्रण को वो प्लेट पे लगाऊंगी, थोड़े से मिश्रण को, और उसको स्प्रेड करके अगर ये ऐसे स्प्रेड हुआ तो हमारा मिश्रण तैयार है। अभी मेरा मिश्रण तैयार है तो मैं दिखाती हूँ कैसे इसको स्प्रेड करना है। देखिए प्लेट पे मैंने ये बॉटम को तेल लगाया, अभी मैं इसको धीरे धीरे स्प्रेड करूँगी। ये मिश्रण जब भी गर्म है तभी हमें स्प्रेड करना है, इसको बिल्कुल भी ठंडा होने नहीं देना है।
देखिए मैं कैसे इसको इवनली स्प्रेड कर रही हूँ। एकदम पेशेंटली नाइसली आपको स्प्रेड करना है। प्लेट नीचे से शायद से गर्म होगा, तो बी केयरफुल व्हाइल डूइंग दैट। देखिए एकदम अच्छे से स्प्रेड हो रहा है, ठंडे होने से पहले ही हमें करना है। तब तक जो बाकी का मिश्रण है उसके नीचे हमें गैस चालू ही रहना है। देखो मेरे कढ़ाई के नीचे गैस चालू ही है और उसको हमें बीच में हिलाते रहना भी ज़रूरी है, नहीं तो वो नीचे चिपक जाएगा। देखिए इट्स नाइसली इवनली स्प्रेड, एकदम अच्छे से हो गया है। ये होने के बाद इसे 5 मिनट तक कम से कम हमें ठंडा होने को रखना पड़ेगा। ठंडा होने के बाद हम इसे कट करेंगे। देखिए इसका ठंडा होना जरूरी है, नहीं तो ये प्रॉपरली कट नहीं होगा और रोल भी नहीं होगा। जब तक ये ठंडा होता है तब तक मैंने बाकी के प्लेट्स में मिश्रण को स्प्रेड करके लिया था। देखिए इस प्रकार से हमें नाइफ से मैं इसका स्टार्टिंग पोर्शन उठा रही हूँ और फिर इसको रोल कर रही हूँ। देखिए देखिए कितनी अच्छी बनी है खांडवी। मैं और एक दिखाती हूँ। ये देखिए मैंने नाइफ से इसका स्टार्टिंग पोर्शन उठाया और फिर मैंने इसको एकदम आराम से रोल हो गया। देखिए वेरी नाइस। अगर ये बाय एनी चांस रोल नहीं हो रहा है तो आपको वो मिश्रण को फिर से और 1-2 मिनट के लिए गैस पे चलाना पड़ेगा। देखिए खांडवी एकदम अच्छे से बनी है। अभी इसको हम तड़का देते हैं। तड़के के लिए मैंने पैन रखा है, उसमें मैं राई डालूंगी, 1 चम्मच मस्टर्ड सीड, 1/2 चम्मच हींग, 1/2 कड़ी पत्ता, 1/5 वाइट सेसमी सीड्स, 1/7 तिल के दाने, हरी मिर्च डाली है मैंने, आप चाहिए तो लाल मिर्च भी डाल सकते हैं। इसको अच्छे से तड़कने दीजिए। देखिए एकदम तैयार है। इसको थोड़ा सा हम चलाएंगे जिससे वो तिल अच्छे से तड़क रहे हैं। अभी इसे पे खांडवी पे डालूंगी। देखिए इसे हमें खांडवी पे डालना है। देखिए कितनी प्यारी लग रही है। अभी कोरिएंडर लीव्स से हम इसे गार्निश करेंगे। आप चाहिए तो कोकोनट भी यूज़ कर सकते हैं। देखिए हमारी खांडवी एकदम अच्छे से तैयार है। आप ये रेसिपी ट्राई कीजिए, लाइक शेयर ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। देखते रहिए रूपालीज किचन एंड क्रिएटिविटी। थैंक यू।